ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के चलते डीजे संचालक काफी परेशानी में आ गए हैं। आदेश के कारण मध्य प्रदेश में डीजे संचालकों के रोजगार बंद हो गए हैं, उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते छावर क्षेत्र के डीजे संचालकों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इछावर तहसील अनुविभागीय अधिकारी जमील खान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अब आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आईसीएन मीडिया। ऐसे बिल्कुल डीजे का ही काम है इनका, मतलब लाइव वाले तो कहीं पे कर लेते हैं, ट्रेन वाले भी एडजस्ट हो जाता है, मैं लाइव कर लेता हूँ, ये भी लाइव, मैं कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल जिनने खर्चा लेने का केवल डीजे ले रखा है और सीजन का इंतजार करते 6 महीने साथ साथ 8-8 लाख शादी ब्याह किसके धार्मिक त्यौहार, अब उसमें नहीं बजे तो कैसे क्या किस्ते इतनी है सर, एक एक आदमी की कम कम 6-6 किस्ते हैं, अभी फोन आ गया सब किस्त वाला काम है सर हमारे, समस्या है जो छोटे छोटे जो मांस मछली बेचने वाली है आज सभी की, कहाँ से दुकान लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, अभी आज मेरे पास हाँ 1000-2000 की मछली तालाब सफाई के लाते हैं और 2500 की बेचे चले जाते हैं, वो दुकान कहाँ से लाएगी 10,000 महीने के, सर क्या विचार करें, ऐसा नहीं है बहुत बेरोजगार, कुछ रास्ता निकालते हैं क्या सर, एक 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 डीजे पे कम से कम 5-5, 7-7 लड़के, हाँ बोल रहे वो बिगर लड़के भी जनरेट होता है सर, 10 लड़के तो मतलब एक डीजे पे 10 लड़के परमानेंट रहते हैं। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।